पहले ना सब ने मेरे को यही पूछता है पाकिस्तान अच्छा है हिंदुस्तान अच्छा बोलते हैं, अच्छा दोनों नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स 7:22 इन द मॉर्निंग और आज हम जा रहे हैं तुरतुक। तुरतुक जो है वो है इंडिया और पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल के सबसे पास में एक गांव। तुरतुक जो था पहले वो पाकिस्तान के ही कंट्रोल में था, बट लेटर इन 1971 आई गेस इंडिया ने फिर से रिकैप्चर करके फिर इस पे अपना हक जमाया। तो तुरतुक इज़ अ स्मॉल टाउन अराउंड 255 किलोमीटर्स फ्रॉम ले और लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ दो ढाई किलोमीटर दूर है। सो बड़ा मज़ा आएगा और पाकिस्तान के बॉर्डर में एक छोटा सा गांव। सो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा। सो आप बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। छोटे छोटे नो 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 ओ भाई साहब, सही में एक पत्थर ऊपर से गिर गया। आप अगर यहाँ देखो तो अगर बारिश हो जाए या कुछ भी हो जाए ऊपर से तो सामने पूरा रास्ता पत्थर से भर जाएगा। देयर इज नथिंग टू स्टॉप दिस रॉक्स टू फॉल डाउन। दिस सेज वेलकम टू तुरतुक। तुरतुक पहुंच गए हैं, अब बस देखना है कि तुरतुक में है क्या क्या। सो हम फाइनली पहुंच गए हैं इंडिया का सबसे आखिरी गांव थांग। सो तुरतुक जो है वो आखिरी नहीं है, अभी थांग आखिरी है, आप थांग तक आ सकते हो। तुरतुक से आपका ऐसे ही कुछ 8-9 किलोमीटर्स होंगे। हाँ थांग। अच्छा मेहरबानी, शुक्रिया। मैं 99 में यहाँ फंस गया है, हमें उस पाकिस्तान के उस गांव में पैदा हुआ। पहले ये हिंदुस्तान था, वहाँ सीपी में दोनों पाकिस्तान दोनों हिंदुस्तान दोनों लड़ाई हो गया। यहाँ आकर करीबन 50 हो गया इधर पहुँच कर, इसी टाइम पर हमें उस गांव से यहाँ पहुँच गया। हम दोनों, हमारे बाप भी वहाँ था, माँ भी था, भाई भी है, बहन भी है, सब उधर ही है। अभी नहीं मिला, 25 साल हो गया, 50 साल हो गया अभी नहीं मिला। माँ बाप गुजर गया, भाई है, भाई से पहले बातचीत तो चिट्ठी लिख रहा था ना, कोई से बात होता है चिट्ठी में, अभी मोबाइल से बात होता है। हाँ अभी मोबाइल से खैर हयात पूछता है और कोई नहीं पूछता है। बस हमें यहाँ आया भाई, फिर वहाँ माँ बाप का थोड़ा दर्द होता रहता है। हाँ भाई, भाई को बाल बच्चा हमें बाहर, मैं यहाँ फंसने के बाद 3-4 साल के बाद मैं यहाँ शादी किया, पहले तो नहीं था उसी में। उस ज़माने में मैं करीबन 15 साल था पाकिस्तान के ज़माने में, इस बात अभी यहाँ पहुँच गया 50 हो गया, 50 में अभी मेरे को 7 साल हो रहा है, 70 साल हो रहा है। फिर अल्लाह के फसल से यहाँ दाना पानी लिखा हुआ यहाँ फंस गया, फिर बाल बच्चा यहाँ भी बहुत हो गया,
यहाँ बस अपनी जिम्मेदारी कारगुजारी कर रहा है ना। और सब ने मेरे को यही पूछता है पाकिस्तान अच्छा हिंदुस्तान अच्छा बोलते हैं, अच्छा दोनों नहीं है। सो थांग जो है बहुत पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, और इनफैक्ट आगे 7-8 किलोमीटर पहले जो हमें एक चेक पोस्ट मिलता है वहाँ तक पाकिस्तान था। फिर बाद में लड़ाई के बाद ये सारे पार्ट जो है वो इंडिया के हो गए। बाकी जो हमने चाचा से बात किया तो चाचा का पैदाइश जो है वो पाकिस्तान में हुआ है। उसके बाद जंग के कारण उनके यहाँ पे जो थोड़े बहुत फार्म्स थे वो उस फार्म्स के चक्कर में वो इधर इंडिया की तरफ आ गए। उनके जो भाई है, उनके जो फैमिली है, बहन है, माँ पापा तो गुजर गए उनके, बट मॉम डैड जो हैं वो सब पाकिस्तान में रह गए थे। सो उस ज़माने में चाचा कहते हैं कि चिट्ठी लिखा करते थे, बट अभी तो फ़ोन ऑन आ गया तो अभी कहते हैं कि फ़ोन में बात होती है उनकी अपने रिश्तेदारों से वहाँ। बाकी थांग में इनका यहाँ पे अगर आप पीछे देखो तो एक छोटा सा गवर्नमेंट स्कूल है। नीचे अगर आप देखते हो उस तरफ नीचे जो नदी के उस पार जो हरियाली है दैट इज़ पाकिस्तान विच इज़ ऑल्सो बलिस्तान। चाचा लोग जो हैं अपने जितने ये यहाँ के लोग जो है सब बलिस्तानी है, और वो नीचे का जो है वो दैट इज़ बलिस्तान विच इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और नदी के इस तरफ अगर आपने देखा होगा एक पोस्ट है दैट इज़ लाइन ऑफ कंट्रोल। बाकी बंकड़ पाकिस्तान का जो है ये पहाड़ों में जो है उनमें कई जगह उन्होंने बंकड़ बना के रखा है। हमारे इंडिया के इस तरफ है और उनका उस तरफ बहुत सारे जगहों में बंकड़ बना के रखा है। यहाँ के जो फेमस फ्रूट है आपको जैसे मैंने बताया कि एप्रिकोट आपको हर जगह मिल जाएगा यहाँ पे। तो इन्होंने इनका जो अभी मेन जो चाचा का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था उस ज़माने में चाचा कहते हैं कि 2.5 रुपये में यहाँ पे इंडियन आर्मी को इन लोग जो सामान राशन वाशन है वो चढ़ाने में हेल्प करते थे। फिर ग्रीफ का जो काम है उसमें हेल्प करते थे और 2.5 रुपये मिलते थे उनको दिन का। तो उस ज़माने में वो अपने कंधे पे पीठ पे राशन लेके वो ऊपर जाते थे और उनको ड्रॉप करते थे। बट अभी सिंस गधे वधे उन लोग आ गए हैं तो गधे की मदद से अभी भी ऊपर लेके जाते हैं, बट अभी 2.5 रुपये से वो 1000 रुपये तक पहुंच गया है। बट इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन, स्मॉल विलेज आप कह सकते हो कि विद अ मैक्सिमम हाउसेज ऑफ अराउंड 20-24। और एक बात, ये जो थांग है तुरतुक वॉज इंडियाज लास्ट विलेज इंडिया का, बट अभी इसी साल से इंडियन आर्मी ने टूरिस्ट को यहाँ तक आने का परमिशन दिया है। सो दैट्स हाउ तुरतुक नहीं, अब थांग इज़ द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो अब अगर थांग आते हो सो थांग का जो लास्ट स्टॉप है जहाँ तक रास्ता जाता है वहाँ पे आपको एक घर मिलेगा। वो घर कम बोटानिकल गार्डन काइंड, बोटानिकल गार्डन टाइप, कम म्यूज़ियम भी है और फूलों की बहुत ही सुंदर बगीचा इन्होंने लगा के रखा है। और एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, इनके भी कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान में है। तो आप यहाँ आके बोटानिक अपना इनका जो फूलों की बगीचा है वो देख सकते हो। और जो म्यूज़ियम में है वो म्यूज़ियम में इन्होंने उस ज़माने में क्या क्या चीज़ें यूज़ किया जाता था वो सब रखे हैं। बाकी इनका खुद का भी एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप आके चाय कॉफ़ी या कुछ लाइट स्नैक्स भी कर सकते हो। थांग जो है वैसे ही त्याक्सी भी दूसरा गांव है जो आपके पाकिस्तान के और इंडिया के बॉर्डर में है। सो ये आपका थांग से पहले आता है और यहाँ के लोग भी लड़ाई से पहले पाकिस्तान के ही पार्ट थे। फिर बाद में इंडिया ने जब इसको अपने कब्ज़े में कर लिया
उसके बाद से इन लोग भी इंडिया के पार्ट में आते हैं। बाकी अगर आप तुर्तुक आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये इनका एप्रिकॉट का जूस, इनका एप्रिकॉट का जूस जो यहीं पे तुर्तुक में ही बनता है। सो ये जूस लोकल जूस है यहाँ का, बहुत मीठा है, बट अच्छा है। और अभी हम आए हैं फ्रेंड्स कैफ़े में। फ्रेंड्स कैफ़े इज़ क्वाइट फेमस यहाँ तुर्तुक में। अगर आप भी आते हो तो फ्रेंड्स कैफ़े आ सकते हो। और यहाँ पे जो है ना इनका जो ट्रेडिशनल डिश है वो मिलता है। सो इनका ट्रेडिशनल डिश है बकवीट किस्सेर विथ सामिक। बाकी और एक है किस्सेर विथ मॉस्कॉट आई गेस, वो है वॉलनट की चटनी के साथ। बाकी बाले और थेंतुप तो अपना जो टिबेटियन डिश जैसा होता है वही है। सो मैं खा रहा हूँ बकवीट किस्सेर विथ सामिक। सो अभी हमने जो ऑर्डर किया है वो है एक थेंतुप और ये है किसीर चटनी, और ये जो है वो है वो नहीं सॉरी ये जो है वो है समसारिक बोल के कुछ चटनी है, ब्लैकविट किसीर। हाँ, और ये है ब्लैकविट किसीर। थोड़े बहुत हमारे तरफ ही का गीला रोटी, गीला रोटी बनता है ना, हमें गीला रोटी, हाँ हम नेपाली में गीलो रोटी बोलते हैं। सो गीलो रोटी जैसे ही है ये तो अपना क्या नाम है अपना तंदूरी का चटनी लग रहा है। सो फाइनली हम लोग होटल पहुंच गए। इट टेक्स अस अराउंड अगर आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो जो लास्ट विलेज है वो अगर बाइक में हो तो आप 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हो। सो हम लोग पहुंचते अभी हो गया है 8:30 बज गए। अब बहुत ही थक गए हैं। अब पूरा तीनों गांव जो है थांग एंड देन थिसके एंड देन जो तुर्तुक है, तीनों गांव को कवर करने के बाद मैं थक गया हूँ बहुत। इसलिए आज का ब्लॉग यहीं तक। मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। गुड नाइट।